ये ठाकुर मेरा बाल कितना है, बस मालिक आगा में गिर रहा है, गिन लीजिएगा। वही हाल है, वही हाल है, वही उखाड़ तो नहीं पाएंगे क्या मोदी को? अभी 25 साल नहीं उखाड़ पाएंगे। मोदी जी ने क्या, मैं तो पहले ही बोला पूरे देश के लिए किया है, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अभी विष्णुदेव साय हैं यहाँ से मुख्यमंत्री, वो कैसा काम कर रहे हैं? अभी वो अच्छा कर रहे हैं। 17 साल तो फुल मौका था उन्हीं का, कौन सा था? सब तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी, गांधी परिवार तो राज कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार चुनावी कवरेज जारी है और इसी बीच हम छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की हम अंबिकापुर की धरती पर अभी मौजूद हैं और एक गुदड़ी यहाँ पर एक बाजार है उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर कई लोग हैं मौजूद, बहुत सारे लोग हैं। आइए जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वो सरकार चाहती है, किसकी सरकार बनाएगी, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आइए सीधे ले चलते हैं। भैया क्या नाम है? सच्चिदानंद गुप्ता। कैसा चल रहा है आपका व्यापार? व्यापार एक नंबर चल रही है। एक नंबर चल रहा है। किस किस के जूस बनाते हैं आप? मैंगो शेक बेचते हैं, मैंगो जूस। अच्छा, मैंगो जूस बस जी। क्या लग रहा है, चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की सरकार। क्या है ऐसा मोदी में? मोदी फैक्ट है, मोदी एक जादू है। मोदी में जादू है, राहुल गांधी में कोई जादू नहीं है? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी में कोई जादू नहीं। क्यों? दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है, पूरे वर्ल्ड देख रहा है मोदी को। राहुल कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ऐसा क्या है राहुल में जो कोई देख ही नहीं रहा है? कोई नहीं देख पाएगा ना, मोदी क्या है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, मोदी में ऐसा क्या खास बात है कि कोई उसके आगे दिख ही नहीं रहा? मोदी आज इकोनॉमी को इतना बढ़ा कर रखा है, देश की सुरक्षा को इतना टाइट करके रखा है, बॉर्डर पूरा सील करके रखा है, और क्या चाहिए हिंदुस्तान के आदमी को? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मोदी देश बेच रहा है? देश बेच रहा है, उसके नजर बेच रहा होगा, जनता की नजर में तो नहीं बेच रहा है। राहुल गांधी तो खुश है। अच्छा, खुश है मोदी से? मोदी बिल्कुल खुश है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, कह रहे हैं। अब जो कांप, जो डरता है वही कांपता, वही ऐसा ऐसा बयान देता है, जो जीतता है वो तो शांत रहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आ रहे हैं इस बार तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या कह रहे हैं? 4 जून को देख लेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं दे पाएंगे ऐसा टक्कर मोदी को? मोदी को राहुल का कोई नहीं दे पाएगा टक्कर अभी तो। महागठबंधन बना लिया उन्होंने। कोई गठबंधन नहीं, बस बोलने का है। बोलने का ऐसा क्या है कि कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है मोदी कौन को? दे पाएगा टक्कर? कौन कोई दिख रहा है आपको तो बताओ? राहुल गांधी कह रहे हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह होते तो आज देश का ये हाल नहीं होता। कह रहे हैं तानाशाह डरा हुआ है इस बार तो, तीसरी बार नहीं आने देंगे। तीसरी बार को चौथी बार भी आएगा। चौथी की भी घोषणा कर दी बिल्कुल पहले ही हम मोदी के साथ हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो दिख नहीं रही है। आपकी जूस की दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जूस की दुकान चल जाएगी, मोहब्बत की दुकान तो फेल है। ऐसा क्या है उस मोहब्बत की दुकान में? हमने तो देखा ही नहीं कि मोहब्बत की दुकान कहाँ खोले हैं। बोल रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा में गए, जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोल दी। कोई तो दे बताए कहाँ पर वो दुकान है, वो दुकान तो कहीं दिखा ही नहीं। किसकी दुकान खोली तब उन्होंने? अब तो वही जाने, जनता ने तो नहीं देखी उनकी मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की बात बस कहने को कुछ भी, कहने को आदमी कुछ भी बोल सकता है। मैं सामने खड़ा हूँ अभी, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने की आज़ादी है। एक एक लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं वो अब? अरे भैया जुमला जो करना है कर लो, 1 लाख दो या 20 लाख दो। 20 लाख देंगे इटली से? वो तो कह रहे हैं हम देंगे तो कहाँ से देंगे? इटली से ला के देंगे कि हिंदुस्तान से देंगे? वो देंगे कहाँ से? मोहब्बत की दुकान खोल रहे राहुल गांधी। अरे मोहब्बत की दुकान में ताला ऐसा लग गया, 3 साल से लगा है, अभी लगे रहेगा, आगे भी लगे रहेगा। इतनी नाराजगी काहे है राहुल गांधी से? नाराजगी किसी को नहीं भैया, हमको अपने देश से लगाव है, काम से मतलब है। किसी व्यक्ति विशेष को नाराजगी क्यों रहेगी ये बताइए? देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, किए होते तो लोग उनके साथ होते। पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है तो जो जहाँ की तारीफ कर वहीं रहे, सीधी सी बात है। तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं राहुल गांधी के। अब तो रोज न्यूज चैनल में देखबे करते हैं आप लोग, कौन किसका कसीदा पढ़ रहा है। क्या लग रहा है कका कौन आएगा फिर? अभी फूल छाप आएगा। फूल छाप में ऐसे क्या खास बात है? अभी वो राज करेंगे। बिल्कुल राज करेंगे। ऐसा क्या खास बात है? बहुत सी राज राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं है सर, काम भी किए है ना, पूरे रोड को बनवा रहे हैं, विकास भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, महंगाई तो बढ़ रहा है थोड़ा,
मगर भी काम भी हो रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम एक झटके में गरीब हटा देंगे, और तो गरीबों को हटा देंगे। गरीब गरीबों के तो रोडे पे रखे थे, कहाँ रखे थे, कहाँ है, हमें मौका दीजिए बोल रहे हैं। एक बार 17 साल तो फुल मौका था उन्हीं का, कौन सा था, सब तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी, गांधी परिवार तो राज कर रहे थे, दूसरा पार्टी कहाँ गया, दूसरा को आदमी कोई राज बैठा का उनके बाद में कांग्रेस में, और तो पूरा खानदानीय राजी। अरे वो कह रहे हैं इस बार मोदी जी को तीसरी बार नहीं आने देंगे, कह रहे हैं। अरे वो अभी आएगा फुल छाप, बिल्कुल कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, कह रहे हैं। वो तो कौन कांपेगा, बस अब कितना दिन है। एगो कहावत कहा गया है देहाती में, कह ठाकुर मेरा बाल कितना है, बस मालिक आगा में गिर रहा है, गिन लीजिएगा, वही हाल है, वही हाल है कांग्रेस का। बस अभी आ रहा है, देख लेंगे कितना बाल है, गिनते रहिएगा बैठ के, फिर 5 साल सब गठबंधन वही रहेगा जहे के तहे। अरे सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी को उखाड़ी फेंकेंगे इस बार। हम मानिए कुछ है तब ना, 10 मील को उखाड़ने पर एक गो के एक मूली को 50 मील के कबाड़ रहे हैं, कितना मजबूत है कि कबाड़ने के लिए 50 गो के संगठन बनाना पड़ गया। कितने गहरे में है वो मूली, तो वही तो बात है, वही उखाड़ नहीं पाएंगे क्या मोदी को, अभी 25 साल नहीं उखाड़ पाएंगे, 25 साल अभी और नहीं उखाड़ पाएंगे। वो तो कह रहे हैं इसी बार उखाड़ लेंगे, देख लीजिए आने दीजिए, अब कितना दिन बचा ही है, अब कितना दिन बचा है, 10 दिन में तो पता चल जाएगा कि कितना कबाड़े हैं। चलिए बताइए यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार आई 5 साल, क्या किए वो, अभी तो वही है, कुछ नहीं कहे क्या, करे रहते तो जरूर आते। जो अभी सरकार है वो कैसा कर रही है, अभी तो ठीक ही है। कुछ मिल रहा है योजनाओं का लाभ की नहीं, मिल तो रहा, क्या क्या मिल रहा है, नारी लोग को मिल रहा है 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, और क्या चाहिए, चावल मिल ये रहा है। तो क्या कर रहे हैं कका, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपको मेरे नज़र में तो कुछ दिखता ही नहीं है उनका, काम कुछ नहीं दिखता है इसको, गोबर और मूत्र खरीदने से, गोमूत्र बनाओ तो गोईठा बनाओ, तो क्या क्या बारी बघना क्या क्या वो लोग चालू किए, सब बंद हो गया। कह रहे हैं मोदी जी हमारे घोषणा पत्र से घबरा गए, कह रहे हैं कोई किसी से नहीं घबराता है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा, अगर जिसने काम किया होगा जनता उसके साथ है, जो नहीं किया होगा जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। तो मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने किया, मैं तो पहले ही बोला पूरे देश के लिए किया है, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पूरे के लिए, पूरे के लिए। अभी विष्णुदेव साय हैं यहाँ से मुख्यमंत्री, वो कैसा काम कर रहे हैं, अभी वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे साय साय काम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल अभी तो साय साय हो रहा है, दुनिया क्या हुआ है, साय साय सब काम साय साय हो रहा है, जिसका भी जो भी मांग थी सब पूरी हो रही है, महतारी बंधन सब चालू, किसानों को बोनस सब चालू, फिर पीएम आवास सबको मिल रहा है, मिल रहा है। हैं यहाँ के लोग डबल इंजन से, सब डबल इंजन के, अब तो पूरे इंजन ही इसके साथ है, राहुल का इंजन नहीं चलेगा क्या, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ क्यों दिख रहा, कितना है दे रहे हैं तब सीटें आप, अभी 11 से तो 11 लग रहा है, मोदी की गारंटी काम करेगी क्या, बिल्कुल गारंटी, धन्यवाद कका है।